नमो अहंकारम नमो सिद्धारम नमो आर्यानम नमो अध्यायानम नमो लोये सवसाहूणम शुद्धात्मानम अनेकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्धार्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदा चोजन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेत शासनम नमः श्री वर्धमाना निर्दूत कल्यात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगल करण विचराग विज्ञान नमो ताहियाते वै अरहंताज महान। इस भवतर का मूलेक जानो में क्या भाव, ताको कर निर्मूलव करिए मोक्षोपाय। मंगलाचरण करके पंडित टोटामल जी, अब जो जीव जैन हैं उनके भी मिथ्या तो रहता है, ये चर्चा कर रहे। अब जैन हैं और जिन आज्ञा माने तो मिथ्या तो कैसे रहेगा भाई? आज्ञा सम्यक तो होता है, 10 प्रकार के सम्यक्तों में आज्ञा सम्यक तो होता है। और लिखा क्या है, जो जी जैन है जिन आज्ञा मानते हैं उनके भी मिथ्या तो रहता, तो कैसे कैसे रह जाता होगा? आज्ञा मानते हैं मात्र शब्दों से, अभिप्राय समझ करके ग्रहण नहीं करते। आज्ञा तो मानते हैं लेकिन अभिप्राय नहीं समझते। अब देखो, 4 अनुयोग जिन आज्ञा ही है, यहां नयों की अपेक्षा से कथन लिया है, तो व्यवहार नये के वचन है वो भी जिन आज्ञा है, निश्चय नये के वचन है वो भी जिन आज्ञा है, लेकिन वो जिन वचनों को तो ग्रहण करते हैं लेकिन पोषण अपने अभिप्राय का करते हैं। जैसे पहला प्रसंग आया निश्चयाभास का, तो अपने को सिद्ध समान मानते हैं। अब सिद्ध समान मानते हैं तो सिद्ध समान मानना तो जिन आज्ञा है, मम स्वरूप है सिद्ध समान अमित सक्त सुख ज्ञान निधान, जिन वचन है कि नहीं है? लेकिन सिद्ध समान मान करके सिद्ध होने का साधन करना चाहिए। कोई चर्चा पहले की थी इस तरह की, जब हम सिद्ध समान हैं तो सिद्ध भगवान पर की ओर नहीं देखते तो हम पर की ओर क्यों देखें? ये नहीं होगा, सिद्ध भगवान के शरीर नहीं होता तो हम शरीर से भिन्न हैं ये अनुभव नहीं करते। सिद्ध भगवान अपने स्वरूप को जानते हुए सारे लोकालोक को जानते हैं, सारे लोकालोक को जानते हुए भी किसी पदार्थ को अपना तो नहीं मानते, उन्हें इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष तो नहीं करते। तो हम पर द्रव्यों को अपना मानकर हैं, इष्ट अनिष्ट मानकर मोह राग द्वेष क्यों करें? विचार करो, इस तरह का चिंतन करके मोक्ष मार्ग में नहीं लगते। आत्मा सिद्ध समान है और आत्मा तो कुछ करता धरता नहीं है, खाता पीता नहीं है, बस 2-4 लाइनें अपने से निश्चय नये की पढ़ी और बस, इसलिए चाहे कुछ करो ये कहां से आ गया? शास्त्रीय शब्दों को कह सकते हो, निश्चय नये के वचन भी जिन आज्ञा हैं, जिन वचन हैं, परंतु वह जिन वचन मोह राग द्वेष के अभाव के लिए हैं, कषायों को मिटाने के लिए हैं। और ये निश्चय नये के कथनों को सुनकर के पढ़कर के क्या करता है? बोलो, 2 शब्द बोलो, प्रमाद और स्वच्छंदता का पोषण करता है, इसलिए मिथ्या तो रहता।
भाई सिद्ध समान मानना मिथ्या तो नहीं है। एक शब्द लिखा है निश्चयावास में, साथ में बोलो, ब्रह्म से सिद्ध समान मानना मिथ्या था। प्राप्त पर्याय में सिद्ध दशा नहीं है। पंडित जी ने खंडन करते हुए निश्चयावास को क्या लिखा, आप तो प्रत्यक्ष संसारी है, संसारी को सिद्ध मानना भ्रम है। एक गणित का सूत्र बताया था याद है, बोलो, सिद्ध ना चार बराबर रुक गया, एक बराबर चार, उल्टा कह गए आप, एक बराबर चार कैसे हो सकते है? के हो सकते सही करो, ये तो यही तो अकल है, एक बराबर चार माइनस तीन, एक बराबर चार माइनस तीन, तो जीव जीव है ना एक है, तो सिद्ध है साक्षात शुद्ध आत्मा सिद्ध है, तो सिद्ध बराबर संसारी। अब सिद्ध बराबर संसारी कैसे हो सकता, तो माइनस संसार। अब माइनस संसार का शास्त्रीय अर्थ बोलो करना नहीं उठे, माइनस द्रव्य भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। भाई संसार किस संसारी किसको कहेंगे, एक तो जीव है, अनंत कर्म वर्ग ना कर्मण शरीर है, और मोह राग द्वेष के परिणाम है, और शरीर संग में है, और शरीर के साथ में सारा संयोग नो कर्म का है, इस सब का नाम संसारी है। संसारी का अर्थ मतलब हुआ एक जीव है, वह जीव अनादि काल से अपने को भूला हुआ है, भूला हुआ है उसका नाम मोह हो गया, और भूल करके किसी न किसी को अपना तो मानेगा, तो शरीर को अपना मानता है, शरीर को अपना मान लेता है। शरीर को जब अपना मान लिया तो शरीर के ही तुम्हारी लौकिक भाषा में कहें तो लिहाज से, शास्त्रीय भाषा में कहें तो अपेक्षा से, शरीर की अपेक्षा से ही हाँ जो शरीर को अनुकूल है उसे इष्ट मानता है, शरीर को प्रतिकूल है सो अनिष्ट मानता है, और इष्ट अनिष्ट मान करके राग द्वेष करता है। तो ये मोह राग द्वेष रूप परिणाम भाव कर्म, इसका नाम है भाव संसार, और इन परिणामों के साथ में जो आठ कर्म हैं ज्ञान वर्णादिक, और उन कर्मों के उदय से बोलो शरीर और संयोग रूप नो कर्म है, इन सब का नाम संसार है। पंडित टोटरमल जी ने अपने परिचय में क्या लिखा बोलो, मनुष्य किसको कहते हैं, देखो संसारी माने मनुष्य, त्रियंच नारकी और देव, चार गति के जीव संसारी हो गए। अब मनुष्य किसको कहा, मैं आत्म और पुद्गल खंड, मिलके भयो परस्पर बंद, सो असमान जाति पर्याय, उपजो मानुष नाम कहा, ये मनुष्य हो गया, तो इसी का नाम संसारी हो गया, संसारी जीव है। जीव के दो भेद, संसारी और मुक्त, तो संसारी जीव मुक्त हो जाता है, तो जीव के दो भेद कहां है, जीव की दो अवस्थाएं हैं, अवस्था की अपेक्षा से दो भेद हो गए, संसारण मुक्ता चल अशुद्ध नय से, जब शुद्ध नय से कहेंगे तो सबे शुद्धा शुद्ध नया, तो जब जीव दो भेद हो गए संसारी और मुक्त, तो संसारी किसको कहेंगे और मुक्त किसको कहेंगे, के कर्म रहित मुक्त और कर्म सहित संसारी। अब कर्म कहने में जब क्या कहें, क्या आ जाएगा, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। अब इसमें से घटा दो तीन, संसारी में से तब सिद्ध समान कहो, आप इस शरीर सहित अपने को सिद्ध समान भ्रम से मानो, में तो सिद्ध समान में आंख बंद करके, ऐसे तो नहीं चलता भाई। तो जिनाज्ञा मानते फिर मिथ्या क्यों, देखो ये जिनाज्ञा है कि नहीं, अब जीव सिद्ध समान है, प्रत्येक जीव स्वभाव की अपेक्षा या स्वभाव से सिद्ध समान है, ये जिनाज्ञा हो गई कि नहीं। लेकिन अरे भाई तुम अपने को
स्वभाव सन्मुख होकर सिद्ध समान मानो तो तुम्हारी पर्याय में संसार का अभाव होगा और ब्रह्म से अपने को सिद्ध समान मान लो तो फिर संसार का पोषण ही होगा, संसार का एक नमूना हो गया। ऐसे ही व्यवहारवासी व्यवहार के जो वचन है वे क्या नाम जिन वचन है, इसीलिए पंडित जयचंद जी ने एक बात बहुत सुंदर लिखी है इसमें अपने तत्वासूच की टीका है उसमें क्या लिखी, जो व्यवहार को सर्वथा सत्यार्थ मानते हैं वे गाढ़ी मिथ्या दृष्टि है। व्यवहार को सर्वथा सत्यार्थ मानते झूठ आया कुछ है ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं, झूठ में और व्यवहार मानता है। व्यवहार उपचार को कहते हैं, असत्य को व्यवहार नहीं कहेंगे, सर्वथा असत्य होगा तो नहीं। जैन दर्शन में और अन्य दर्शनों में यही तो मूल अंतर है, यहाँ व्यवहार व्यवहार की अपेक्षा सत्यार्थ है, शरीर है, हम ये थोड़ी कह रहे शरीर नहीं है, लेकिन शरीर है सो हम नहीं है। और फिर भी सुनो, जैसे एक लाइन पढ़ी है तुमने, मुख्य रूप से राजनीति में पड़ोसी की रक्षा में अपनी सुरक्षा है, पड़ोसी की रक्षा में अपनी सुरक्षा है, वहां रक्षा यहां सुरक्षा। अच्छा पड़ोसी भिन्न है कि अलग है, वो भिन्न है कि एक ही है, भिन्न है। लेकिन एक बात बताओ, पड़ोसी के घर में कदाचित आग लगे तो बुझाने जाओगे कि नहीं जाओगे? एक एक कारण तो ये है, एक तो पड़ोसी के साथ सहानुभूति, पड़ोसी ही वक्त पे काम आएगा तो पड़ोसी से सहानुभूति रखती है, एक तो ये परिणाम हो गया। दूसरी बात, अगर नहीं बुझाने गए अपना वो आग पढ़ करके अपने घर तक नहीं आ जाए, तो पड़ोसी की रक्षा में अपनी सुरक्षा है। ऐसे ही शरीर पड़ोसी है भैया, भिन्न है न्यारा है, उसे अपना मत मानना, बात तो सही है, लेकिन फिर भी इस शरीर की रक्षा करना। क्यों? अगर शरीर को बिगाड़ोगे तो तुम्हारा संयम बिगड़ेगा, धर्म छूटेगा सबसे पहले। क्या करें, शरीर को अपना मानोगे, पड़ोसी को अपना मान लेते, पड़ोसी के धन को अपना मानो तो, लेकिन फिर भी पड़ोसी की साथ सौहार्द होगा तो ही तुम्हारा काम बनेगा, पड़ोसी के साथ बिगाड़ करोगे तो काम नहीं बनेगा। शरीर कृतघ्नि है, दुष्ट है, मलिन है, घिनावना है, लेकिन जैसा है वैसा है, काम तो इसी से लेना है मोक्ष मार्ग। बताओ हमारे महामुनिराज जो शरीर से कितने विरक्त हैं, श्रद्धा तो श्रद्धा में तो शरीर को भिन्न मानते ही हैं, ज्ञान में शरीर को भिन्न जानते ही हैं, लेकिन शरीर के प्रति राग भी कितना छूट गया है। ऐसे बैठे अपन उड़े आ रहे और बेजे बैठे शरीर से निर्ममता बैठे, फिर भी शरीर के लिए योग्य आहार विहार आदि चर्या करते हैं। ऐसा नहीं है, आत्मा तो अनाहारी है तो बस बैठ जाए अपने आराम से। अरे अनाहारी स्वभाव को भी जानते हैं, इसलिए आहार की प्रवृत्ति को हेवी समझते हैं और भावना भी भाते हैं, कब स्वरूप में लीनता हो कब ये आहार छोड़े। आपको आहार संबंधी एक चर्चा बताएगी, मुनीश्वर का जो आहार का विकल्प है, श्रावक लोग उसे सौभाग्य मानते हैं। रामचंद्र जी वन की ओर चले, रामचरित मानस में आया, रामचंद्र जी वन की ओर चले तो सीता भी साथ में, लक्ष्मण भी साथ में, तो चलते चले गए कहीं ठहर गए, नगरवासी भी पीछे पीछे, अयोध्या सुनी हो गई, अब क्या करें, सुबह भी पीछे। रात को एक जगह रुक गए, आगे नदी पड़ती थी थोड़े, एक जगह रुक गए, फिर वे एकदम बड़ी जल्दी उठ करके और आगे आगे चल दिए। वे उठ नहीं पाए कौन, नगरवासी, जब वे उठे नहीं, ये तो गए, तो दौड़े पीछे पीछे पहुंचे,
पहुंच करके उन्होंने सीता माता के पांव छुए, माता तुम्हारा बड़ा उपकार है, तुम धीरे धीरे चली, तुम्हारी वजह से धीरे चलने पड़ो तो मिल गया, और नहीं तो जे तो आ गया तो मैंने कहा नहीं कर गए होते। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे ही ये शरीर समझना। मुनराज भी विचारते हैं, हाँ आहार के आहार की चर्चा कर रहे थे कि मुनराज का आहार का जो विकल्प है, तो मुनराज तो आहार के विकल्प को ही समझते, भगवान जी विकल्प कब छूटे, इस आहार के विकल्प को धिक्कार है। मुनराज क्या सोचते हैं, आहार के विकल्प को धिक्कार है, जो अपना घर छोड़ा जंगल में गए और फिर लौट गए वन में आने पर, वो क्या नाम नगर में आए, और श्रावक सौभाग्य मानते हैं, अरे वो आहार का विकल्प के कारण से चलो इन मुनराजों का हमें समान। अलग अलग सोचने की तरीके हैं। अब मुनराज आहार के लिए निकलते हैं तो अनाहारी जानते आत्मा को कि नहीं जानते, जानते हैं, फिर क्यों निकलते हैं? कि भाई निमित्त अनिमित संबंध भी जानते हैं, अभी हम आहार छोड़ेंगे तो इस मनुष्य पर्याय में अकाल मरण भी होता है, अन्नपान निरोधा, हिंसा के दोषों में लिखा है अन्नपान निरोधा, हिंसा के अतिचार बता भावनाओं का बोलना, अतिचार बोलो, बद बंधन, अन्नपान निरोधा है ना, किसी का भोजन पानी बंद कर दो तो वो अपने आप देह छूटेगी थोड़े दिन में। इसी आधार पर तो लोगों ने ये लगा दिया था केस के सलीगना साहब, वो तो आत्मघात है, जानबूझ कर रोटी पानी छोड़ी है साहब, शरीर का घात कर रहे है। ऐसा नहीं, चाहे जब नहीं, जब शरीर घातने लायक होगा तब है उसका घात करने का, और सो भी जो अन्नपान निरोध करके आत्मघात किया जाता है वह कसाय की तीव्रता से किया जाता है, और जो संलेखना या समाधिमन किया जाता है वो कसायों की मंदता से किया जाता है, और कसायों को जीतने के लिए किया जाता है। इसलिए संलेखना आत्मघात नहीं, आत्म साधना का सुफल है, आत्म साधना की उत्कृष्टता है, ये समझो, उत्कृष्टता है, फल है उसका, पूरा मंदिर और मंदिर के ऊपर शिखर चढ़ा दिया, कलश बना दिया। ऐसे ये जो संलेखना होती है ये संयमी जीवन का एक तरह का कलशारोहण, समझो। इसीलिए लिखा है किसी जीव का समाधिमन कराना, किसी साधक जीव का समाधिमन कराना ऐसा है मंदिर के ऊपर कलश चढ़ाना, समाधिमन। तो मुनराज भी उस शरीर के योग्य आहार विहार चर्या करते हैं। अब योग्य आहार विहार चर्या करने के बाद भी अगर देह छूटती जानते हैं तो जाओ भाई, हम क्या करें? सम्यक दृष्टि धर्मात्मा से समाधि मरण में एक प्रश्न उठाया कि भाई देखो शरीर धर्म का साधन है, इसलिए तुम्हें इस शरीर की रक्षा करना चाहिए। बोली बात तो ठीक है भाई, लेकिन अब इस शरीर की रक्षा संभव नहीं है, इस शरीर का आयुकाल निकट आ गया है, आयु पूरी होगी तो शरीर छूटेगा, इसलिए अब हम क्या करें इसमें? बोलो देह संयम पूर्वक रहे, आराम से रहे, देह संयम पूर्वक रहे तो आराम से रहे, हम इसके लिए थोड़ी निकाल, हम जबरन छोड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर संयम पूर्वक नहीं रहे तो अब दो बातें आ गई, संयम छोड़ो के दे छोड़ो। अब सुनो, संयम छोड़ने पर भी दे रहने की गारंटी नहीं। एक डॉक्टर के पास गए, बहुत कम से कम 40 साल पहले की बात है, सो उसने दवाई, बोले हमारे हम अवक्ष नहीं देंगे आपको कुछ है, आप हम जानते हैं अवक्ष नहीं, हमने ध्यान रखो भाई। और फिर एक लाइन और उसने कहा कि ठीक है, अब दवाई तो दवाई होती है, आपको देह प्यारी नहीं है, जीवन प्यारा नहीं है। अरे जीवन कौन दवाई से चल रहा हूं भाई, जीवन तो जब तक आयुकाल है तब तक चलेगा, आयुकाल नहीं है तो क्या दवाई, दवाई बेचने वाले और दवाई करने वाले और दवाई खाने वाले देह छूटती है ये काल में, उसमें क्या करोगे? बोले बात तो ठीक है,
बात तो ठीक है। अरे कोई डॉक्टर ये थोड़ी लिख के दे देता है हमारी गारंटी है, तुमसे ले लेता है, हम प्रयत्न कर रहे हैं, अगर नहीं छूट भाई हम क्या करें इसमें, हमारा कोई दोष नहीं। तो मुनराज भी संयम का निमित्त जान करके शरीर की रक्षा करते हैं, योग्य आहार विहार आदि करते हैं, और देखो अपनी संगनन शक्ति को देख करके ही उग्र तपों को अंगीकार करते बाहर गए। आतपन योग वगैरह मने जाकर के पर्वत की शिखर पर गर्मी में खड़े हो गए, नदी के किनारे सर्दी में खड़े हो गए, ये इस काल के मुनराजों के लिए ज्यादा नहीं लिखा है। अपनी शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता देख करके ही तप कर दे, ऐसा नहीं है इन्होंने 3 महीने का उपवास किया तो हम भी 3 महीने का कर दें। आदिश्वर चौथे काल का दृष्टांत दिया, आदिश्वर महाराज ने 6 महीने का उपवास किया था, लेकिन अजितनाथ आदि तीर्थंकरों ने फिर 6 महीने का नहीं उपवास किया, नहीं किया तो नहीं किया, उनके तो संगनन भी वज्र नारा संगनन थे, लेकिन जैसे परिणाम हुए उस परिणाम के अनुसार। तो टोटमल जी ने लिखा देखो जिस प्रकार से आकुलता भी नहीं हो और प्रमाद भी नहीं हो उस प्रकार से प्रवर्तन करना चाहिए। शरीर भिन्न है, न्यारा है, कृतग्नि है, मलिन है, घिनावना है, सब बातें ये राग छुड़ाने के लिए है, द्वेष कराने के लिए नहीं, ध्यान रखना। जैन दर्शन में जब राग को छुड़ाया है तो द्वेष क्यों कराएंगे, राग को छोड़कर के वितरागता की ओर बढ़ो, अगर राग को छोड़कर द्वेष की ओर बढ़ गए तो तुम्हारा काम उल्टा हो गया। अभी आपकी पुण्य पाप की चर्चा चल रही थी, पुण्य को छोड़ करके पाप कार्य करना तो ऐसा है, टोटोमल जी ने क्या कहा, जैसे कोई कड़वी चीज को छोड़ करके हलाल जहर पिया। भाई कड़वी चीज को छोड़कर भी मीठी चीज खाए तो ठीक है, अब कड़वी को छोड़कर के हलाल जहर पिए ये तो अविवेक का काम हो गया, ऐसे पुण्य को छोड़ करके पाप में परिवर्तन ये तो ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, विपरीतता है। ऊंचली दशाते मत गिरो अधो धरनी, परिणत सब जीवन की 3 बात। तो जिन आज्ञा को तो मानते हैं, लेकिन जिन आज्ञा का अभिप्राय तो पंडित जी के शब्दों में बोल दो, श्री गुरु तो राग आदि छुड़ाना चाहते हैं, सीधी बात है, श्री गुरु तो राग आदि छुड़ाना चाहते हैं, क्यों रागादि प्रकट ये रागादि की दुख के कारण है, और रागादि छोड़े बिना दुख तो छूटता नहीं, तो श्री गुरु तो रागादि छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए जिस प्रकार से रागादि छूटे उस प्रकार से निरूपण करते हैं। जो रागादि को परका ही कहकर के स्वच्छंद होते हैं उनको रागादि तेरे ही है, रागादि के होने में तेरा ही दोष है, ऐसा कहकर के रागादि छुड़ाते हैं, और जो रागादिक को स्वभाव मानते हैं उन जीवों को कहते सुनो रागादिक तेरा स्वभाव नहीं है, तेरे नहीं है, क्यों अपना जाने तो कैसे छोड़ेगा, छोड़ने का मतलब तो अपना मानना ही तो छोड़ना है, अपना मानना छोड़ने का मतलब अपने को जाना। आपको कहा था ना घर छोड़ दिया हमने, घर छोड़ने का मतलब क्या है, कहीं भी घर नहीं मानना, ये तो अपना घर है नहीं, अपना घर तो अपने असंख्यात प्रदेश ही है, अपना प्रदेश तो अपना घर तो अपने असंख्यात प्रदेश ही। पंडित जी कहते हैं हम तो कबू न नहीं घर आए, घर छोड़ने का मतलब ये है घर जैसी सुविधाएं, घर जैसे भोग, घर जैसी अनुकूलताएं, घर जैसी नहीं, घर जैसे परिणाम छोड़ना, ग्रस्तपना छोड़ना, इसका नाम घर छोड़ना है। केवल घर छोड़ने का मतलब जिस घर छोड़ दिया वहां घर नहीं, ये नहीं। इसीलिए मुनराजों की एक सर्प वृत्ति भी लिखी है, सर्प अपने लिए जैसे बिल नहीं बनाता, सर्प अपने लिए बिल नहीं बना दिया, ऐसे ही मुनराज अपने लिए कहीं स्थान नहीं बना रहे है? क्यों उन्होंने अपना निज पद को, निज घर को, निज स्थान को जान लिया है भली प्रकार से, इसलिए वहां रहते हैं। तो जिन आज्ञा को मानते हैं, परंतु जिन आज्ञा मानने का अभिप्राय क्या है, रागादिक को मिटाने का, सो जिन आज्ञा को मानते हुए भी यदि रागादिक भावों का पोषण करे तो जिन आज्ञा मानना न मानना
के बराबर ही रहा। इसलिए जो जीव जैन है जिन आज्ञा मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है। क्यों रहता है? वे जिन आज्ञा के अभिप्राय को नहीं, अथवा तो दूसरी भाषा बोलो, वे जिन आज्ञा के वचनों का पक्ष लेकर के वोट लेकर के अपने बोलो हाँ अपने परमार्थ का अपने स्वच्छंदता का और व्यवहार के व्यवहाराभास में अपने अभिमान आदि का पोषण कर दे, अपने अभिमान आदि का पोषण करते हैं, इसलिए उनके मिथ्यात्व रहता है। तात्पर्य है जिन आज्ञा तो भाई जिनेन्द्र भगवान जैसा बनने के लिए है, राग आदि छोड़ने के लिए है, ऐसा समझना चाहिए। तो जिन आज्ञा को माने तो अभिप्राय समझ करके माने। ये दूध देखना तो देखने का मतलब देखते रहे, उफन जाए तो बिल्ली पी जाए तो तुमने ये कहा कही थी वहां, देखने का मतलब रक्षा करना है, अभिप्राय समझना। ऐसा थोड़ी है देखने का मतलब देखते रहो जो कुछ होता है। भैया अपने परिणामों को देखो, अपने परिणामों को देखो का मतलब क्या है? अपने परिणामों कोई रक्षा करो, अपने परिणाम बिगड़ न जाए, अपने परिणाम बिगड़ न जाए, रक्षा करो। अब ये कहां से आ गया कि ये कहां से आ गया जी? आप अपने से पूछो दूध देखना का मतलब क्या होता है? दुकान देखना, ये दुकान देखना, देखने का मतलब बढ़ाना, उसको रक्षा करना, वृद्धिंगत करना। तो ऐसा थोड़ी है शब्द पकड़ लिया देखना माने देखना, देख रहे हैं मतलब। तो ऐसे ही जिन आज्ञा अपने को सिद्ध समान देखना, तो आंख बंद करी सिद्ध समान, ऐसे नहीं होता। सिद्ध समान देखना माने सिद्ध भगवान जो नहीं करते हैं वो नहीं करना, सिद्ध भगवान जो करते हैं करने। या करनी सी हम भाई बीत राग भगवान, सो करनी तुम भी करो हम तुम एक। हाँ, करनी माने मानना जानना और भावना बाना, एकाग्र होना, ध्यान करना, एकाग्र विचारना।